लगा लगा भूल लगा भूल लगा। अरे जल्दी कर, रेड टीम आ रही, जल्दी कर इस साइड से लगा भूल। क्या कर रहा होगा? माइनक्राफ्ट खेल रहा था। अच्छा गेम खेल लो। अच्छा ट्यूशन का होमवर्क होमवर्क तो हो गया होगा फिर? होमवर्क तो नहीं करा, इसके बाद जस्ट हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज अपन दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5, और GTA 5 के अंदर आज अपन करने वाले हैं इंडियन कार्स, और अपने साथ में होने वाली है कुछ बाहर की कंट्री की कार्स, उनके साथ में करने वाले हैं वाटर जंप चैलेंज। ये जो आप ट्रैक देख पा रहे होगे ना, इसके ऊपर से अपन सबसे पहले ये गाड़ी कूदाने वाले हैं, और उनके बाद में देखेंगे कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा लंबी जंप ले पाती है। मैं आपको सबसे पहले करके दिखा देता हूँ यार ये चैलेंज। और यहाँ पे अभी मैं पहली कार चुनता हूँ यार अपनी लैंड रोवर की डिफेंडर, इसको अभी ट्राई करते हैं इस चैलेंज में। इसको यार अभी इस ट्रैक पे ले जाते हैं और स्पीड के साथ इसको जंप करा देते हैं आगे से। ये जो आप येलो वाला देख पा रहे हो ना, यहाँ से होगी अपनी गाड़ी की जंप। और ये साइड में आप बैरियर देख पा रहे हो ना छोटे छोटे, ये जैसे इस पे लिखा हुआ है 4, आगे वाले पे 5, तो ये मार्किंग है, ये 4 और 5 के बीच में रहेगी लगभग। तो अभी अपन जो अपनी लैंड रोवर है डिफेंडर है ना, इसको देंगे 4.5 की मार्किंग। इसने बढ़िया जंप लिया है यार अभी तो। और गाइज अभी बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ, जो है अपनी यार XUV700O। ऐसी अपन देखने वाले हैं कौन सी कार सबसे ज़्यादा बढ़िया जंप लेती है और सबसे ज़्यादा लंबी यार जंप ले पाती है। और मार्क भी देखेंगे यार सबसे ज़्यादा कौन सी कार ले पाएगी। अब यार बहुत ज़्यादा कार अपने पास बाकी है, XUV700O की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे जो अपनी XUV700O है उसने 3.5 किया यार, जो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 4 के नियर आ गई थी यार ये गाड़ी। वैसे इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया है यार, क्योंकि जंप इतना ज़्यादा लंबा लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और गाइस अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ, जो है अपनी मर्सिडीज जी वैगन, अपनी है ये अपनी G63। तो अभी अपन इसमें लगभग 10 कार ट्राई करने वाले, 10 से 15 कार, देखते हैं सभी कार की कैसी परफॉर्मेंस रहती है। और यहाँ पे इसको करा देते हैं जंप, और बढ़िया परफॉर्मेंस। मेरे को लगता है अपनी डिफेंडर इसके पास जाके गिरेगी बिल्कुल से यार, पीछे से तो इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी है, पूरी टूट चुकी है यार पीछे से तो ये। और अपनी जी वैगन आप देख सकते हो डिफेंडर के बिल्कुल पास आके गिरी है, इसने भी ऑलमोस्ट 5 पॉइंट ले लिए हैं यार, 4.5 पॉइंट है इसके। अपनी नेक्स्ट कार है यार अपनी टोयोटा की फॉर्चुनर लेजेंडर, वो भी यार ब्लैक कलर में, क्या लगती है खतरनाक लुक आती है यार ब्लैक कलर की लेजेंडर की तो। और अभी इसको लेके चलते हैं आगे और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है और जंप कैसी होती है। और जंप तो ले लिया यार इस गाड़ी ने, और अभी देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है। नहीं यार ये गाड़ी तो अपनी ये जो 3 नंबर पर रहेगी यार, ये गाड़ी अभी तक तो सबसे पीछे चल रही है, और आप देख पा रही होगी यार ये गाड़ी सबसे पीछे रहेगी, और इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी यार मेरे को जंप में तो। तो अभी यार बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ, जो है अपनी महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, देखते हैं अपनी स्कॉर्पियो एन इसमें कैसा परफॉर्म करती है। और यहाँ पे इसको लेके चलते हैं यार स्कॉर्पियो एन को, स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ले लिया यार, 100 इसने क्रॉस कर दिया है अभी तक। और अभी जंप और देखते हैं कैसी होती है, जंप ले लिया मेरे को लगता है XUV700O के पास जाके गाड़ी गिरेगी। हाँ वैसा ही हुआ यार, XUV700O से थोड़ा सा पीछे रहेगी, नहीं इक्वल है यार दोनों कार्स, वैसे यार दोनों कार्स बिल्कुल इक्वल सी गिरी है, दोनों की सेम रेटिंग है यार, दोनों ने बढ़िया परफॉर्म किया, एवरेज परफॉर्म कर रही है यार अभी गाड़ी तो। और यहाँ पे अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ, जो है अपनी महिंद्रा की थार। ये गाइस बिना मॉडिफाई की हुई थार है, इसके बाद अपन ट्राई करेंगे मॉडिफाई की हुई महिंद्रा की थार, और मेरे को लगता है यार इसमें सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगी अपनी सुपर कार्स। अभी अपन इसको सुपर कार भी ट्राई करने वाले हैं, इसमें 100 की स्पीड भी क्रॉस कर दी अपनी थार ने, और जंप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लिया है यार। और यहाँ पे अपनी लेजेंडर के बिल्कुल बराबर नहीं, लेजेंडर से भी काफ़ी ज़्यादा आगे, और अपनी XUV700O से भी आगे है यार ये गाड़ी, और पानी में तो पूरी गायब हो जाती है यार। नीचे देखो आप, ये ऊपर ऊपर का फोर्सन दिखाई दे रहा है ऊपर से, तो नीचे से तो ये पूरी गायब हो चुकी है। और अभी अपनी थार की परफॉर्मेंस देखिए आपने कैसी थी। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ, अपनी मॉडिफाइड महिंद्रा की थार यार, इसकी लुक चेक करो क्या खतरनाक लगती है, इसके टायर के साइज और ग्रिल यार
इसके लिए तो सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मॉडिफाई कार क्या मस्त लगती है यार, अपनी थार ब्लैक कलर में, इसकी जंप देखते हैं यार कैसी हो पाएगी। वैसे यार इस गाड़ी का वेट काफ़ी ज़्यादा है और वेट के कारण ये गाड़ी यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर पे रहेगी यार, सबसे पीछे। परफॉर्मेंस यार इसकी मेरे को नहीं लगा था कि सिर्फ 2 नंबर पे रह जाएगी, अपनी बिना मॉडिफाई की हुई थार तो 4 पे और ये मॉडिफाई की हुई 4 नंबर, मतलब 2 नंबर पे आ गई, मतलब पूरा आधा डिस्टेंस भी नहीं किया यार, परफॉर्मेंस आधी हो गई यार इसके चक्कर में। तो गाइज नेक्स्ट कार है अपनी, गैस करो यार कौन सी है। ऑलराइट गाइज अपनी नेक्स्ट कार है मस्टैंग जीटी यार, फोर्ड की मस्टैंग जीटी, इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी रहती है। और यहाँ पे स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और यहाँ पे जंप भी ले लिया इस गाड़ी ने, और बढ़िया जंप सबसे आगे मेरे को लगता है जा सकती है लेजेंडर, और इनसे लेजेंडर क्या डिफेंडर से भी काफ़ी ज़्यादा आगे, और 5 पे आ चुके हैं यार, 5 से थोड़ा सा आगे, मतलब 5 पॉइंट दे सकते हैं यार इस गाड़ी को। लिटरल यार बढ़िया परफॉर्मेंस इस गाड़ी की, माइंड ब्लोइंग यार। तो गाइज अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ, अपनी लैम्बोर्गिनी यूरस, लैम्बोर्गिनी यूरस की स्पीड देखते हैं यार कैसी रहती है। स्पीड जिस गाड़ी की बढ़िया रही ना, वो गाड़ी इसमें जंप वैसा ही लेगी। वैसे अपनी लैम्बोर्गिनी हल्की कार है और यहाँ पे जंप लेते हैं बढ़िया सा, और जंप ले लिया यार, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है। 5 से भी आगे, ऑलमोस्ट 6 नहीं यार, पूरा 6 हो गया, मान लो यार 6 तो ये हो गया। अपनी जो लैम्बोर्गिनी शान है यार, इसने 6 तक का पार किया, मतलब इसको 6 रैंकिंग देंगे यार, 6 पॉइंट पे आ चुकी है गाड़ी, अपनी सबसे हाईएस्ट पॉइंट अभी तक अपनी लैम्बोर्गिनी यूरस के पास है यार, बढ़िया परफॉर्मेंस। गाइज अभी अपने पास लैम्बोर्गिनी हुरैकन है यार, देखते हैं लैम्बोर्गिनी शान को टक्कर दे पाएगी या नहीं। अपनी लैम्बोर्गिनी हुरैकन स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यार, पिकअप तो इन गाड़ी को बहुत ज़्यादा बढ़िया, ऑलमोस्ट 150 क्रॉस कर दिया था इस गाड़ी ने। और यहाँ पे 3 नहीं यार, ये तो ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है यार, ये 3.5 पे कुछ आके रह गई यार, लैम्बोर्गिनी हुरैकन ने तो यार ना कटवा दी लिटरली, इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही यार, ये कुछ भी को बढ़िया नहीं है अपनी लैम्बोर्गिनी हुरैकन की परफॉर्मेंस स्पीड को देखते हुए। तो गाइस अभी अपने पास नेक्स्ट कार है अपनी रेंज रोवर की वेलार, देखते हैं अपनी रेंज रोवर की वेलार इसमें कैसा परफॉर्म करती है। यहाँ पे इसको लेके चलते हैं जल्दी से, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पीड, 100 भी क्रॉस हो चुकी है, और जंप देखते हैं यार कैसा रहता है, कौन से पॉइंट आते हैं यार इस गाड़ी के, इस गाड़ी को मिले हैं यार 3 पॉइंट एवरेज यार, पॉइंट देखें तो 3-4 रह रहे हैं, इससे आगे बहुत कम, 1-2 गाड़ी आगे निकली है, वरना इसी पे जाके अटक जाती है। और यहाँ पे आपने रेंज रोवर की परफॉर्मेंस देखी, अभी देखते हैं अपनी टोयोटा की फॉर्च्यूनर की परफॉर्मेंस, फॉर्च्यूनर की परफॉर्मेंस देखते हैं यार कैसी रहती है। 100 क्रॉस कर दिया इसने काफ़ी जल्दी, और अभी जंप भी बढ़िया लिया है यार, कुछ भी कहो। और यहाँ पे ये गाड़ी भी अपनी 3 पॉइंट्स पे रह गई, 3.5 या 3 पे रह गई ये गाड़ी अपनी, और परफॉर्मेंस ठीक है यार इस गाड़ी की, एवरेज परफॉर्मेंस कह सकते हैं जंप में तो लेजेंडर की भी ठीक परफॉर्मेंस थी। अभी बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ, जिसको यार बताने की ज़रूरत ही नहीं है, टोयोटा का लोगो देखा यार, टोयोटा का लोगो देखा और गाड़ी को पहचान लो यार, क्योंकि अपनी ये है टोयोटा की सुप्रा MK4, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है। स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, और जंप देखते हैं यार कैसे रहते हैं, क्या एग्जॉस्ट है यार इसके खतरनाक। और यहाँ पे इसके पॉइंट देखते हैं यार कितने हो गए, यहाँ पे गाड़ी पूरी इनविजिबल हो गई, और मोस्ट 5 पॉइंट ये गाड़ी यार अपनी 5 पॉइंट हो चुके हैं इस गाड़ी के, सेकंड गाड़ी है, सेकंड या थर्ड नंबर पे चल रही यार ये अपनी सुप्रा गाड़ी। तो गाइस अभी बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल कार की तरफ, अपनी टाटा हैरियर, देखते हैं अपनी टाटा हैरियर इसमें कैसा परफॉर्म करती है। स्पीड तो यार इसका 100 से भी ज़्यादा क्रॉस हो चुकी है, और जंप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लिया है। और आगे देखते हैं 4 कर देते हैं, ये गाड़ी 4 हो गई, 4 की रेटिंग यार इस गाड़ी में, परफॉर्मेंस ठीक थी, एवरेज सभी गाड़ी लगभग 3-4 इधर रह रही थी, और सिर्फ 3 गाड़ी अपनी लैम्बोर्गिनी शान, मस्टैंग जीटी और एक और गाड़ी थी यार सुप्रा, टोयोटा की सुप्रा, ये 3 ही गाड़ी
टॉप थ्री है यार। तो गाइज आज की वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी अमेजिंग वीडियो के लिए और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। तो गाइज सभी आज की वाली वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड।